यू इज डूइंग रियली एक्सलेंट टुडे। स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से अनअकैडमी लिंकिंग लॉ की इस लाइव स्ट्रीम में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैट और जुडिशरी के करंट अफेयर्स के बारे में। यस, सो दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर द जीके एंड द जीएस सेक्शन, द करंट अफेयर्स ऑफ ऑल जुडिशियल एग्जामिनेशंस। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे एक बहुत ही छोटे छोटे से ये सेशंस और सीरीज होने वाली हैं विच इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल इन लर्निंग इन परफॉर्मिंग वेरियस स्टेट जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस इन द प्रीलिम्स एंड द मेंस इक्वली। यहाँ पे ये क्लास नंबर टू पार्ट आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले एक और पार्ट आ चुका है आपके सामने। इन क्लासेस के थ्रू हम जो डेली यहाँ पे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे बहुत ही ईजी और एक ल्यूसिड मैनर के अंदर, ताकि आपकी समझ भी बढ़े और आप उसको एग्जाम के अंदर भी रिट्रीव अच्छे से कर पाएँ। डेली यहाँ पे जो है हम जी के एमसीक्यूज भी एनालिसिस करने वाले हैं आपके सामने इन्हीं शॉर्ट सेशंस के साथ में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स भी रहेंगे, मतलब खाली आपके पास में जी के पास्ट ईयर स्टैटिक जी के ही नहीं, इसके साथ में करंट अफेयर्स भी, जो डेली आपके पास में 5-10 इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट होते हैं न्यूज़पेपर में, वह भी हम डेली टू डेली डिस्कस करने वाले। तो आइए दोस्तों इस क्लास को शुरू करते हैं, इस एनालिसिस सेशन को शुरू करते हैं। और ये छोटे छोटे सेशंस आप कहीं भी, जैसे मॉर्निंग में, लंच टाइम में या फिर इवनिंग टाइम में कभी भी सुन सकते हैं चलते फिरते, और इतना ईजी और इतना इंटरेक्टिव वे में बनाया गया है ताकि आपको इसमें कहीं रटना ना पड़े, सहज तरीके से सरल तरीके से हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के लिए यह उपयोगी और बहुत ही यूजफुल यूटिलिटी फुल होने वाला है। आइए यह क्लास को शुरू करते हैं। टारगेट जो है हमारा अपकमिंग जो है यूपीपीसीएस जुडिशियल का एग्जाम होगा, डीजीएस का एग्जाम हो सकता है, हरियाणा जुडिशियल सर्विस है, बिहार का है, उत्तराखंड का हो सकता है, वेस्ट बंगाल के अंदर यहां पे पूरा का पूरा पेपर आता है आपके पास में, हरियाणा का पेपर हो, हिमाचल का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र वाला पेपर हो, राजस्थान के अंदर यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, छत्तीसगढ़ वाला पेपर हो आपके पास में, या फिर वेरियस जैसे एमपीपीसीएस जुडिशरी के अंदर भी कहीं ना कहीं लीगल राइटिंग और करंट अफेयर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है। तो इन सभी स्टेट एग्जामिनेशंस के अंदर दोस्तों हम यहाँ पे करंट अफेयर्स को सीखने जा वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। माय सेल्फ जगदीश चंद्र जांगिड़ एंड आई एम गोइंग टू मेंटर यू फॉर द जीके एंड जनरल स्टडी सेक्शन फॉर ऑल द जुडिशरी रिलेटेड एग्जामिनेशन। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले ये बता देता हूँ कि सबसे पहले यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जब हमारी एक जो ट्रेजेक्ट्री है, जो हमारा पाथ है, अगर वह पाथ क्लियर हुआ तो बाकी आने वाले समय के अंदर भी हम काफी सारी चीजें जो है सिंपल और ल्यूसिड वे में करने में कामयाब होने वाले दोस्तों। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर मैं पहले ही इंडेक्स दे देता हूं क्या क्या पढ़ने वाले, ताकि आपको पता हो अगले 20 मिनट में आप क्या सीखने वाले। यहां पे कुछ फैक्ट्स होंगे, जैसे कि यहां पे कुछ कल्चर से रिलेटेड, ब्लैक पगोड़ा, कुछ टेंपल आर्किटेक्चर, और जो पूछा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। यहां पे जो कुछ आपके एग्रीकल्चर है, कुछ इकोनॉमिक्स है, कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे इस क्लास में मैं रेवोल्यूशंस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो आपके पास में फैक्ट्स के रिलेटेड हैं और आपको याद होना चाहिए। यहां पे इकोनॉमी के अंदर कैसे मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर क्या, उससे रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं और क्या प्रश्न बने हैं। यहां पे कहीं ना कहीं फिजिक्स और साइंस भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं, तो इन डोमेन्स को भी हम डेली से डेली अपने इन क्लासेस का भाग बनाते चलेंगे। कि कहते हैं ना कि धीरे 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 जो है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, करत करत अभ्यास रत जड़ मत हो सुजान। तो जब हमने 10वीं से बेसिकली सारी चीजें छोड़ रखी, अभी वापस उसको हम ओवरहॉल करने वाले हैं, ठीक है ना। जीके के अंदर काफी सारी चीजें हम यहां पे सीखने वाले हैं कि जो रिसेंटली यहां पे क्वेश्चंस के अंदर रही है, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, डेविस कप के बारे में सीखने वाले हम, है ना। तो यहां पे जो ग्रेटर ट्रिपला डैम अभी हाल ही में रिसेंटली न्यूज में था और उसके बारे में सीखेंगे, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अभी हाल ही में इसके 100 वर्ष पूरे हुए उसके पीछे क्या प्रश्न बन सकता है वो सीखेंगे। तो करंट अफेयर्स हैं, जीके हैं, काफी सारी चीजें सीखने को है दोस्तों, और रुकना नहीं है, इस क्लास के अंत तक बने रहना है क्योंकि यह क्लास बहुत ही सटीक होने वाली है। पहला सेगमेंट इस क्लास का शुरू करते हैं, फन कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स फॉर द जुडिशरी एग्जामिनेशन। तो इस क्लास के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो रहने वाला है, यहां पे 5 से 6 कॉन्सेप्ट्स में डेली डिस्कस करूंगा वन लाइन। जैसे कि आपके पास में सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि ब्लैक पगोड़ा किसको कहा जाता है, ब्लैक पगोड़ा किसको जाता है, तो आपको पता होगा सूर्य मंदिर जो कोणार्क है, कोणार्क इसको ब्लैक पगोड़ा भी नाम दिया जाता है। उड़ीसा के अंदर यह मंदिर है, आपको पता होना चाहिए ब्लैक पगोड़ा, क्योंकि समुद्र से जो बेसिकली है यहां पर एक तरीके से इसको नेविगेशन के समय जो है उड़ीसा के कोस्ट के अंदर बेसिकली एक तरीके से पहचान का रूप दिया गया था, दूर से बेसिकली देखा जा सकता था इसको कि ओके फाइन, यह एक तरह का नेविगेशन सिंबल माना जाता था इस एरिया के अंदर। तो कहां पे है आपके पास में, हमारे इंडिया के अंदर उड़ीसा के अंदर है, यहां पे आप देख सकते हैं यह पर्टिकुलर जो है यह लोकेशन आपके पास में रहने वाली है ब्लैक पगोड़ा, ठीक है, ब्लैक पगोड़ा जिसको कोणार्क का टेंपल कहते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर कहते हैं उड़ीसा के अंदर, स्पेसिफिकली यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, आने की और भी कहीं चांस रहते हैं सर। अगला एक और क्वेश्चन जिसमें ट्रिक है,
ट्रिक क्या है? पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? सर गुलाबी क्रांति है जो कहीं ना कहीं कुछ परीक्षाओं के अंदर अलग आंसर है, कुछ परीक्षाओं में कई अलग जगह आंसर माना गया है। मैं आपको दोनों ही चीजें समझाने वाला हूं क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है और इस क्लास का यही फायदा होने वाला है कि जो कहीं सीखने को नहीं मिलेगा वो इस क्लास में सीखने को मिलेगा, जहां पे आप स्वयं से 20 मिनट लगा देंगे वही 2 मिनट में सीख जाएंगे। देखिए पिंक रेवोल्यूशन जो है दो चीजों से रिलेटेड है, एक तो था आपके पास में प्याज से, अनियन से, तो यहां पे अनियन की खेती है ना, प्याज की खेती को यहां पे प्रोडक्शन को, पैदावार को बढ़ावा देने के लिए जो भारत सरकार के द्वारा यहां पे एक रेवोल्यूशन लाया जाता है ना, उसको भी यहां पे अनियन रेवोल्यूशन बोला गया। दूसरा है आपके पास में मीट से रिलेटेड, जो मीट है ना, रेड मीट, उससे रिलेटेड जो प्रॉन्स है ना, प्रॉन्स पता होगा आपके पास में जलीय जीव होता है ना, उससे भी रिलेटेड जो है कहेंगे हम प्रोडक्शन की अगर बढ़ाने की बात करते हैं दोस्तों, तो उसको भी यहां पे पिंक रेवोल्यूशन की कैटेगरी के अंदर ही माना गया है। सो पिंक रेवोल्यूशन बेसिकली किससे रिलेटेड हो सकता है? आपके पास में ऑनियन से रिलेटेड हो सकता है, आपके पास में यहां पे ये पिंक रेवोल्यूशन जो है वह रेड मीट से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, कई रेवोल्यूशन के मैंने यहां पे नाम दे रखे हैं आपको, कई रेवोल्यूशन के नाम है, ब्लैक रेवोल्यूशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जब भारत पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यहां पे ज्यादा बढ़ावा देना चाह रहा है, उत्पादन बढ़ाना चाह रहा है, तो ये क्या है? ब्लैक रेवोल्यूशन है ना, अश्वेत क्रांति, काली क्रांति इसको कह सकते हैं। यहां पे गोल्डन रेवोल्यूशन है ना, गोल्डन जिसको यहां पे एक तरीके से स्वर्ण क्रांति कहा गया, ये बेसिकली बागानी खेती के लिए जो हॉर्टिकल्चर है, जो हनी है ना, जो बागानी खेती मतलब आपके पास में फल फूल सब्जियां यह सारी की सारी चीजें जो है इनको यहां पे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी है ना। देखिए तीन तरह की फसल होती है, रबी की सर्दियों के अंदर, खरीफ की मानसून के अंदर, और उसके बीच में जायद की फसल होती है, वो फसल कौन सी होती है? ये हॉर्टिकल्चर फसल होती है, और इसको बागानी कृषि को बेसिकली बढ़ाने के लिए भारत सरकार कौन सा रेवोल्यूशन लेके आती है? यह गोल्डन रेवोल्यूशन लेके आती है। कौन से वर्ष में लेके आई? 2003 में लेके आई। ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पे प्रश्न बन सकते हैं। ब्राउन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है आपके पास में? लेदर से रिलेटेड है, कोकोआ से रिलेटेड है ना, तो यहां पे ब्राउन क्या होती है? एक तो कॉफी होती है, तो कोकोआ से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं लेदर का भी कलर जो है आपने देखा होगा ब्राउन कलर का होता है, तो ब्राउन यह लेदर ब्राउन रेवोल्यूशन इससे भी रिलेटेड है। कौन सी पर्सनैलिटी इनसे रिलेटेड है उनका भी यहां पे नाम दे रखा है, कौन से ईयर जो है रिलेटेड वो भी दे रखा है। जैसे कि आपके पास में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सबने पढ़ा है, परंतु ग्रे ब्लू सिल्वर रेवोल्यूशन पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, तो इस क्लास का मकसद वही रहने वाला है कि जो दूसरों के नॉलेज से दूर है वह आपके लिए इजीली अवेलेबल हो, यही लिंकिंग लॉ की पहचान बनने वाली है। ग्रे रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? फर्टिलाइजर जो होती है हमारे पास में, उर्वरक होते हैं, खाद होते हैं, उससे रिलेटेड है आपके पास में। और कब से शुरू किया गया? यहाँ पे सन 1960 और 1970 के दशक में भारत में जो कृषि की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए हमने यहाँ पे उर्वरक को, फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की, उसको हमने ग्रे रेवोल्यूशन दिया। फिर यहाँ पे आपके पास में फिशेस को ब्लू रेवोल्यूशन से बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, जो फिश प्रोडक्शन है हमारी, जो वाटर ब्लू वाटर इकोनॉमी की हम जो बात करते हैं, इसमें ब्लू रेवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देता है सर, इसको याद रखेंगे, जिसको नील क्रांति भी कहा गया था। और ये 1970 से लेकर के आपके पास में पर्टिकुलर 2002 तक जो है ये पर्टिकुलर स्पैन रहा था, जब हमने फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की। फिर सिल्वर रिवॉल्यूशन आता है आपके पास में, एग से रिलेटेड है, एग से रिलेटेड सर कहीं ना कहीं यहां पे जो है इंदिरा गांधी को इसका श्रेय दिया जाता है, एग से रिलेटेड जो प्रोडक्शन है आज की तारीख में नॉर्थ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर, जहां पे भी आप देख सकते हैं अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर जो है मुर्गी पालन का चलता है आपके पास में, तो ये एग प्रोडक्शन वाली चीज जो है सिल्वर रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, इसको याद रख सकते हैं। सन 2000 तक बेसिकली जो है इसका जो है पर्टिकुलर एरा रहता है, राइट तो यहां पे पूछा क्या जा सकता है कि यहां पे पर्टिकुलर जी कौन सी पर्सनालिटी किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, कौन सा रेवोल्यूशन किस सेगमेंट से रिलेटेड है, कौन सा रेवोल्यूशन कौन से वर्ष में आया था। इसके अलावा हरित क्रांति पूछा जा सकता है, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के दशक के अंदर था, जो कि भारत में अनाज की पैदावार बढ़ावा देने के लिए है ना, टू इंप्रूव द ग्रेन प्रोडक्शन। तो सर आपको पता होना चाहिए एक पंथ कई काज हमने यहां पे किए हैं, ठीक है ना, चेहरे पे स्माइल बनी रहनी चाहिए। आगे आप पढ़ते हैं दूसरा फैक्ट आज की क्लास का, गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है, अब आप लोग सभी बताने वाले हैं। पिंक रेवोल्यूशन अभी हमने पढ़ा है, किससे रिलेटेड है, अभी हमने कहा पढ़ा है प्याज से रिलेटेड है पिंक रेवोल्यूशन, और किससे है, अनियन से, प्रॉन से, रेड मीट से रिलेटेड है, और इसके आगे की सारी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेक्रेट डॉक्यूमेंट, यस सर, पर यह स्टेटमेंट किसने कहा संविधान सभा के अंदर? यह स्टेटमेंट कहने वाले थे हमारे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, क्या नाम था इनका, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, बहुत ही हाईली लिटरेट और बहुत ही रैशनल पर्सनैलिटी के साथ में यह बेसिकली भारत की संविधान सभा के अंदर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर, और भारत के आगे जाकर के लॉ मिनिस्टर भी बनते हैं। और आपको पता होना चाहिए इन्होंने भारत के संविधान को यहां पे एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट का भी नाम दिया था, ऑनरेबल भीमराव अंबेडकर। वी मस्ट ऑलवेज बो डाउन टू दिस जाइगेंटिक पर्सनैलिटीज जो अपने आप में इंटेलेक्चुअली जो है
जिनको मैं कह सकता हूँ द हिमालयस लाइक पर्सनैलिटी, राइट। सो यहाँ पे नेक्स्ट फैक्ट आपके सामने आता है सर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी से एक फैक्ट लेकर आया हूँ आपके सामने कि सर यहाँ पे एक होती है पूंजीपति अर्थव्यवस्था, एक होती है कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था, है ना। अब जो दोनों का मिश्रण होता है, जहाँ पे कहीं ना कहीं जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या मतलब हो गया आपके पास में, जिसको ड्यूल इकोनॉमी भी बोला जाता है, दोहरी अर्थव्यवस्था, जिसमें जो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और आपके पास में कम्युनिस्ट मतलब कमांड इकोनॉमी, इन दोनों का मिश्रण होगा। मतलब कहीं सरकार का भी कंट्रोल होगा और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जो सरकार के अलावा, गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट फील्ड के अंदर भी आने वाले। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, कहीं ना कहीं यहां पे देख सकते हैं आप बेसिकली दोनों चीजों को मिक्स किया जा रहा है। मतलब पब्लिक भी साथ में आ रहा है, प्राइवेट भी आ रहा है, निजी क्षेत्र भी साथ में आ रहा है और सरकारी क्षेत्र भी साथ में आ रहा है, और दोनों मिला करके यहां पे हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने की कोशिश करने वाले। तो मिक्स्ड इकोनॉमी देख सकते हैं यहां पे पूरा का पूरा सिस्टम, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, को सर्वाइवल ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो यहां पे पब्लिक वाला हो गया सरकारी सेक्टर, सरकारी कंपनियां होगी यहां पे। प्राइवेट सेक्टर का क्या मतलब हो गया आपके पास में कि यहां पे निजी कंपनियां भी होगी और निजी कंपनियां भी यहां पे जो है डिमांड और सप्लाई का कुछ इंपोर्टेंट काम करेगी। यहां पे जो है इकोनॉमिक प्लानिंग होने वाली, इकोनॉमिक प्लानिंग से मेरा क्या मतलब हुआ दोस्तों कि सर यहां पे जो है योजनाएं बनने वाली, जैसे हमारे भारत में पंचवर्षीय योजना बनती है, बिल्कुल बनती है। प्लस यहां पे कहीं ना कहीं जो है हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि ये मार्केट इकोनॉमी है और मार्केट में कंज्यूमर भगवान है, कंज्यूमर इज द गॉड, है ना। प्लस यहां पे कम्युनिस्ट इकोनॉमी के भी कुछ लक्षण है, जैसे कि लेबर के भी प्रोटेक्शन के राइट दे रखे हैं। कम्युनिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या सर, लेबर, देखा होगा आपने कम्युनिस्ट देशों का जो बेसिकली हसिया और वो बेसिकली जो होता है ना वही इनका सिंबल होता है, ठीक है ना। तो वहां पे लेबर यूनियंस, लेबर जो है बेसिकली उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो हमारे यहाँ पे कंज्यूमर्स को स्थान दिया गया, लेबर्स को स्थान दिया गया है, कम्युनिस्ट के अंदर जो है प्राइवेट सेक्टर को भी और पब्लिक सेक्टर को भी मिक्स इकोनॉमी में स्थान दिया जाता है। अगला फैक्ट जो आपको बताना चाहता हूँ, कार्य की क्या इकाई है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द वर्क। सर देखिए, आपको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स जो एसआई यूनिट सिस्टम कहा जाता है, जो हमने 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ा था, कहीं ना कहीं जाते हैं उस पे एक धूल जमी हुई आई है, उसको आज हटाने की कोशिश करते हैं। कार्य की इकाई होती है जूल। तो कार्य को किस में मापा जाता है, कार्य को मापा जाता है जूल के अंदर। तो यूनिट ऑफ वर्क है आपके पास में एसआई, स्टैंडर्ड यूनिट जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जिसको कहा जाता है एसआई, यूनिट ऑफ वर्क क्या है सर, जूल है, नाम याद रख लेंगे। तो वर्क क्या है आपके पास में, कार्य जो कहते हैं, जूल इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, यह ऊर्जा को काउंट करने की एक जो है यूनिट है, इकाई होती है। यहां पे वर्क का क्या मतलब होता है, वर्क का मतलब है ऊर्जा को ट्रांसफर करना। जैसे मैं काम कर रहा हूं, मैं क्या काम कर रहा हूं, सपोज मैं यहां पे कोई सामान को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये काम कर रहा हूं। व्हाट आई एम परफॉर्मिंग इज ट्रांसफरिंग द एनर्जी, ट्रांसफरिंग द एनर्जी, कोई चीज स्टैटिक पड़ी है एक जगह है, मैं उसको पुश कर रहा हूं, उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूं। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम परफॉर्मिंग द वर्क, आई एम परफॉर्मिंग द वर्क। तो यह क्या है, वर्क क्या है, वर्क की जो यूनिट क्या है, वर्क क्या है, एक टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, व्हेन आई एम ट्रांसफरिंग माय एनर्जी दिस इज कॉल्ड एज अ वर्क, नंबर वन चीज। इसकी जो वर्क जो है एनर्जी ट्रांसफर, इसकी यूनिट क्या होगी, जूल में मापा जाता है, इसको याद रख सके। और सर जूल जो यहां पे हमने यह इकाई दी है, यह किन के नाम पे दिए, यहाँ पे एक आपके पास में इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, है ना, फिजिसिस्ट थे आपके पास में, जिनको यहां पे बहुत ही रेस्पेक्ट से जो है उनको ऑनर के अंदर बेसिकली नाम रखा गया था, नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। क्या नाम था सर इनका, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। और जेम्स प्रेस्कॉट जूल के लास्ट सरनेम को देखिए आप, जूल, है ना। और इन्हीं को ऑनर देते हुए यह बेसिकली आपके पास में बहुत ही बड़े जो है फिजिसिस्ट के नाम से जाना गया इनको, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इंग्लिश के अंदर कहीं ना कहीं जो हर एक चीज़ में देखा जाए ना, तो ब्रिटिश, यूरोपियंस, इन लोगों का कहीं ना कहीं नाम सामने आता है। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट्स कई होती हैं हमारे पास में, है ना, उनका नाम याद, जैसे कि हर्ड्स में हम किसको मापते हैं, फ्रिक्वेंसी को, ठीक है ना, हर्ड्स के अंदर। फोर्स, जब बल होता है, बल को किस में मापते हैं, न्यूटन के अंदर। न्यूटन पता है ना, ग्रेविटी की खोज याद है, सेव एप्पल। प्रेशर, जो प्रेशर देते हैं हम, दबाव कहते हैं, दबाव को किस में मापते हैं सर, पास्कल के अंदर मापते हैं, ठीक है ना। एनर्जी जो होती है या फिर वर्क होता है, उसको हम किस में मापेंगे, एनर्जी हो या वर्क हो, दोनों की यहाँ पे मानक इकाई क्या होने वाली है, यहाँ पे जूल होने वाली है। जबकि पावर है, है ना, पावर, जैसे कि हम कहते हैं सर ये 100 वाट का बल्ब है, ये 50 वाट का बल्ब है, तो पावर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हो, तो यहाँ पे रेडिएंट फ्लक्स की बात की जाती है, यह वाट के अंदर काउंट किया जाता है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पे जो है आपके पास में कॉलम के अंदर चेंज किया जाता है, जैसे कि वोल्टेज है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसको वोल्ट के अंदर, है ना, पोटेंशियल को वोल्ट के अंदर चेंज किया जाएगा, है ना, इसकी इकाई यह रहने वाली है। तो काफी सारी यहां पे इकाई दे रखी है, यह याद रखना चाहिए। टेस्ला किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, जो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र होता है, नाभिक जो है मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका टेस्ला, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहेगा उसका बेसिकली वेबर होने वाला है। हेनरी किसका है, इंडक्टेंस का, ठीक है ना। सो और कंडक्टेंस का क्या है आपके पास में, सीमेंस, सीमेंस या जिसको मो भी कहा जाता है, सीमेंस या मो भी कहा जाता है। तो ये काफी सारी चीजें स्टैंडर्ड यूनिट्स है, इसका सिंबल्स हो सकते हैं, पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं अगर एक दो बार लिख लोगे, बोल
दोगे ये चीजें याद होने वाली हैं, रट्टा नहीं मारना है, राइट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको ऑब्जर्व भी किया जाता है। हर साल एक थीम भी होती है, और इस साल इसको यहां पे जो है होस्ट करने वाला कंट्री था सेलिब्रेशन को पाकिस्तान। ये याद रखेंगे 5 जून हमारा विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है। आइए सर, तो हमने 5 फैक्ट्स को कंप्लीट किया है यहां पे शुरुआत के अंदर, ठीक है ना। और अब हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर सेक्शन की। करंट अफेयर सेक्शन जो जुडिशरी के एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सबसे पहला यहां पे कोई स्पेसीज कई बार पूछा जाता है सर ये हाल ही में न्यूज बताया, ये क्या था? कोई सांप था, कोई तितली थी, कोई कछुआ था, कोई स्पाइडर था? वैसे यहां पे चॉकलेट बॉर्डर वाली यहां पे एक फ्लिटर है जो खबरों में रही है हाल फिलहाल, है ना। ये किसकी प्रजाति है? चॉकलेट कलर्ड फ्लिटर जो है ना, अभी हाल ही में न्यूज में देखेगी, ये क्या है आपके पास में? स्नेक, बटरफ्लाई, टॉर्टोइज या स्पाइडर है, है ना। यह एक तरह की क्या है आपके पास में दोस्तों? बटरफ्लाई है, जिसको हम यहां पे क्या नाम देते हैं? तितली नाम से जानते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है ना। तो यह पता होना चाहिए आपके पास में कि नॉर्थ सिक्किम के अंदर यहां पे कोई नई स्पीशीज पाई गई है, और उस स्पीशीज का नाम क्या है, किस पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग करती है। तो आप देख सकते हैं आपके पास में चॉकलेट बॉर्डर ये स्प्लिटर है, इनको बेसिकली बटरफ्लाई एक तरह की सिक्किम में पाई गई है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूछा जा सकता है। फिर है यहां पर डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जिसको DRI भी कहा जाता है, राजस्व खुफिया निदेशालय इसको हिंदी में कहा जाता है ना। दिस इज एन एनफोर्समेंट एजेंसी, या आपके पास में एक तरीके का है एक संगठन है, प्रवर्तन एजेंसी है। किस संगठन के अंदर? अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? क्या यह आपके पास में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस में, अप्रत्यक्ष करों के जो सेंट्रल बोर्ड के अंदर है, या फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर है? यहां पे जो है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर के सेंट्रल बोर्ड के अंतर्गत आती है, या ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंदर आती है, या सेबी सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है? किसके अंदर यह आती है सर? सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है। सर ये बड़ी बड़ी एजेंसी बार बार न्यूज में रहती है। अभी हमने पढ़ा कि सर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सर इतना नार्कोटिक्स पकड़ा, इतना यहां पे मनी लॉन्ड्रिंग को रोका, इतना टैक्स चोरी को पकड़ा, पर DRI है क्या? किसको रिपोर्ट करती है? किस एजेंसी, किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करती है, काम करती है? आपको पता होना चाहिए यह इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है ना आपके पास में, टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स का आपके पास में अलग से क्या है, आपका एक बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, केंद्रीय बोर्ड है, यह उस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम करती है। तो DRI पता होना चाहिए, इट वर्क्स अंडर द CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष क्या होता है सर? जैसे इनकम टैक्स प्रत्यक्ष है ना, जैसे सर मैं यहां पे सपोज एक्स अमाउंट कमा रहा हूं, 100 रुपए कमा रहा हूं, 100 रुपए पे सपोज 5% टैक्स है, तो मेरी जेब से मेरे को खुद को टैक्स भरना होगा, है ना। मैं स्वयं बर्डन बियर कर रहा हूं उस टैक्स का, तो वो तो क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, प्रत्यक्ष कर हो गया। एक होता है सर आपके पास में अप्रत्यक्ष कर, है ना, जो यहां पे आपके पास में नाम दिया जा रहा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब अप्रत्यक्ष कर क्या हुआ? जैसे सर ये पेन है, इस पेन की कॉस्ट 10 रुपए, इस पे GST लगी यहां पे 10% सपोज 10% या 15%, तो सर जैसे सपोज इसके ऊपर मैंने 2 रुपए GST दी, 10 रुपए का पेन और 2 रुपए की GST, पेन मेरे को 12 रुपए में पड़ता है सपोज, एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये जो 12 रुपए है मैं जमा कराने GST कार्यालय में नहीं जाऊंगा, बीच में 2 रुपए जमा कराने, ये मैं कहां पे जाऊंगा, जो दुकानदार है उसी को मैं 10 रुपए की पेन की कीमत और उसके साथ में ही क्या मिल जाएगी उसको, 2 रुपए GST भी मिल जाएगा। और फिर वो दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो इसका मेरे को बिल बना के दे, और वो बेसिकली क्या करे, GST वो ऐसे कई पेन भेजेगा, जो सपोज वो महीने के 1000 पेन बेचता है, उन 1000 पेन से GST लेगा हर कस्टमर से, और वो इकट्ठी GST जो है यहां पे जमा कराने वाला है। समझ में आई? मतलब पेन खरीदा किसने? मैंने, पर उसका बर्डन डायरेक्टली मेरे ऊपर नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग इट टू द शॉप ओनर, दुकानदार को दिया, दुकानदार के ऊपर बर्डन है, वो जाकर के उसका जमा कराए अपना। सर क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? तो हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, इन्होंने जो है निदेशालय के अंदर इसे डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के जो जो है 64th जो फाउंडेशन डे है इसको यहां पे क्या है कॉमेमोरेट किया है, इसको यहां पे उस वक्त ये न्यूज में भी रहा था, और ये अभी दिसंबर की बात है, याद रख लो, पूछा जाएगा क्या है आपके पास में, देश सेवार्थ कर संचय, है ना, देश की सेवा के लिए कर का संचय करना, भारत सरकार वित्त मंत्रालय के इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम्स के अंदर, है ना, किसके अंदर, आपके अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क, ये अलग से एक विभाग है, जो IRS अधिकारी होते हैं वो इनके हेड होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, अगर आपने नाम सुना हो तो, ठीक है दोस्तों। यहां पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पूछा जा रहा है, विच कंट्री वॉन द डेविस कप टाइटल 2021? तो 2021 का जो डेविस कप है किसने जीता? स्पेन, रशिया, क्रोशिया या सर्बिया, किस कंट्री ने जीता सर आपके पास में? जल्दी से बताएंगे, हमारे पास में यह पता होना चाहिए कि यह कप अभी हाल में रशिया जीत के गई है। डेविस कप कितने जीता है सर अभी हाल ही में? क्रोशिया को हटाते हुए रशिया ने 2021 का डेविस कप जीता है सर, यहां पे है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज है ना। मेदवेदेव, जो डैनिल मेदवेदेव है, इन्होंने हाल ही में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और 25 ईयर ओल्ड ये जो प्लेयर, इन्होंने डिफीट किया था आपके पास में क्लिनिक को सेकंड सिंगल्स मैच के अंदर, है ना, तो यहां पे डेविस कप जो है जीता। दिस इज विन टू मेक द कंट्री विन इट्स फर्स्ट डेविस कप टाइटल सिंस 2006, तो 2006 के बाद में रशिया ने कोई डेविस कप नहीं जीता, और अभी वापस डेविस कप यह जीता
जाता है, ठीक है ना सर। तो यहां पे नंबर दो प्लेयर है ये मेदवेदेव, है ना, के लिए यहां पे डेविस कप में लगातार पांचवी जीतती है, और रूस का लगातार डेविस कप खिताब 2002 में था, ठीक है ना, और क्रोएशिया में 2005 में और 2018 में ये खिताब जीता था। अब तीसरा खिताब यहां पे मांग रहा था, पर तीसरा खिताब जो है बेसिकली जीत नहीं पाता। कौन जीत जाता है उसके बाद में? यह रशिया जीत जाता है। आगे बढ़ते हैं डेविस कप के बाद में, डेविस कप के बाद में यहां पर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। रशिया जीत जाता है इस कप को। अब आगे सर बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के आदिवासी संगठन ग्रेटर ट्रिपलरलैंड नाम से स्वदेशी समुदाय के लिए अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं? द ट्राइबल आउटफिट ऑफ विच स्टेट आर डिमांडिंग द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट फॉर इंडिजीनियस कम्युनिटीज नेम द ग्रेटर ट्रिपलरलैंड। सर अभी आपने हाल ही में नागालैंड वाले एरिया के कहीं ना कहीं किलिंग्स का नाम सुना कि सर यहाँ पे आर्म फोर्सेज गई, इंडियन आर्मी वाले गए, यहाँ पे कुछ एम्बुश हो जाता है, गलती से कुछ मिसफायर के अंदर 10 से 14 लोगों की मृत्यु हो जाती है, एक नेशनल मुद्दा सा बन जाता है आपसपा, जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रोवर्शियल लॉ जो है जो कि आर्म सर्विसेज आर्म फोर्सेज को यहाँ पे इम्प्यूनिटी देता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, अपनी सेल्फ डिफेंस के अंदर फायर करने के लिए। तो आपसपा की फुल फॉर्म याद रखो AFSPA, आपसपा क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, है ना। तो यह इन स्टेट के अंदर लागू है। अभी यहाँ पे जो है उस एरिया के अंदर कुछ आदिवासी है, वो कह रहे हैं सर हमको अलग से क्या चाहिए, खुद का स्वदेशी समुदाय चाहिए, है ना, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड एरिया चाहिए, है ना, और उसकी मांग की जा रही है। कहां पे मांग की जा रही है सर? त्रिपुरा वाले एरिया में। कहां पे? त्रिपुरा वाले एरिया में, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है अच्छी खासी संख्या के अंदर यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, यहाँ पे आदिवासी समुदाय रहता है, और अभी अलग से खुद का क्या मांग रहे सर? त्रिपुरा लैंड मांग रहे, ठीक है ना, त्रिपुरा से त्रिपुरा याद रखेंगे। तो कई ट्राइब्स हैं त्रिपुरा के अंदर, उन्होंने एक तरीके से जो है एक समुदाय ने अलग अलग जो मांग बढ़ाने के लिए अपने हाथ मिला लिए हैं। और यहाँ पे संविधान के अंदर अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है, वो क्या कहते हैं, इसके तहत त्रिपुरा में स्वदेशी समुदाय के लिए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का एक अलग राज्य बनाने की मांग है। सर त्रिपुरा को रीऑर्गेनाइज करो और हमारी कम्युनिटीज का, कुछ कम्युनिटीज हैं उनका अलग से एक क्या बना लो, त्रिपुरा लैंड अलग से बना लो, इंडिजिनियस कम्युनिटी जो वहां की हैं, क्षेत्रीय हैं, वहां की स्वदेशी कम्युनिटीज है, ठीक है सर। तो यहां पे अलग राज्य बनाने की मांग बढ़ रही है। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत, हम सब पढ़ते कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 2 कहीं ना कहीं रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, आर्टिकल नंबर 3 रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, आर्टिकल नंबर 4 कहीं ना कहीं स्टेट और यूनियन टेरिटरी पार्ट 1 के अंदर ही ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, वह इन्वोक करने की कोशिश की जा रही है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ठीक है ना सर। और यहां पे आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा के अंदर लगभग जो है नोटिफाइड अनुसूचित जनजाति के तहत स्केड्यूल्ड ट्राइब्स कितनी रहती है सर आपके पास में? स्केड्यूल ट्राइब यहाँ आपके पास में 19 से ज्यादा स्केड्यूल ट्राइब यहाँ पे रहती है, जिसमें टिपरा और टिपरास भी कहा जाता है, ठीक है ना सर, यह याद रखना है ना। तो इनको त्रिपुरीज कहा जाता है, त्रिपुरास कहा जाता है, अलग अलग टाइप्स है आपके पास में, ठीक है ना। तो यह ट्राइब्स इकट्ठी होकर के अब क्या बोल रही है हमको कि सर त्रिपुरा जो राज्य है इसके अंदर एक अलग से राज्य बनाया जाए, इस राज्य को बाइफर्केट कर दो, अलग से त्रिपुरा लैंड बनाया जाए। क्या नाम दिया इन्होंने अपने एरिया का? व्हाट दे आर कॉलिंग देयर लैंड? द ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, द ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, याद रख लेंगे, ये त्रिपुरा की बात हो रही है। और ये मांग अभी क्यों बढ़ गई पता है? अभी ये नॉर्थ ईस्ट वाले के ऊपर एरिया पे संसद में फोकस, पूरी न्यूज एजेंसी पे फोकस, तो इन्होंने अपनी मांग को और आगे बढ़ा दिया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यह ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कम्युनिटी की यहां पे मांग आगे बढ़ना शुरू हो जाती है दोस्तों। आगे है सर पब्लिक अकाउंट कमिटीज, है ना, पार्लियामेंट कंप्लीटेड द हाउ मेनी इयर्स ऑफ द इंसेप्शन रिसेंटली। संसद की एक जो है लोक लेखा समिति होती है, पब्लिक अकाउंट कमिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी होती है सर आपके पास में, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बहुत ही एक तरीके से जवाबदेही सुनिश्चित करती है सरकार की। इन्होंने हाल ही में अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए? आपको पता होना चाहिए यह आजादी से पहले भी थी। यस सर, यह पब्लिक अकाउंट कमिटी है इंडिया के अंदर लेजिस्लेटिव इतिहास के अंदर यहां पे आजादी के पहले भी काम करती थी, और इसने लगभग अभी 100 वर्ष पूरे कर दिए। कितने सर आपके पास में? 100 ईयर पूरे कर दिए। इट हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर ऑफ इंसेप्शन? 100 ईयर। तो अभी राष्ट्रपति जो है हमारे पास में रामनाथ कोविंद जी, ठीक है ना, तो यहां पे इसके सेंटेनरी सेलिब्रेशन के ऊपर मिलते हैं, शताब्दी समारोह जिसको सेंटेनरी सेलिब्रेशन कहते हैं, 100 साल पूरे हुए पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट के, ठीक है ना सर। और यहां पे यह कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो है जवाबदेही, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी है उसको यहां पे सुनिश्चित करती है एग्जीक्यूटिव टुवर्ड द लेजिस्लेचर। हम कहते हैं सर हमारे यहां पे लेजिस्लेचर जो है वह बहुत ही पावरफुल है और संसद पावरफुल है, और एग्जीक्यूटिव इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो हमारा मंत्रिपरिषद है वो कहीं कहीं विधेयिका के लिए जवाबदेह होता है, और वो विधेयिका की जवाबदेही सुनिश्चित कौन करता है? ये पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पैक यह तय करती है आपके पास में, जिसको हिंदी में लोक लेखा समिति भी कहा जाता है, ठीक है ना सर। तो राष्ट्रपति ने पीएसी की यात्रा के 100 गौरवशाली वर्षों और राष्ट्रमंडल देशों के 15 लेखों सहित 67 लेखों को दर्शाने वाली एक स्मारिका का भी विमोचन किया। तो ये एक तरीके से अलग न्यूज है सर, पैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है, तो यह याद रख सकते हैं। अभी राष्ट्रपति ने उसको संबोधित भी किया है इसी मौके पर, राइट। तो ये हो गए हमारे पास में फैक्ट
और कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट और एमसीक्यूज। आइए हम कुछ यहाँ पे जीके एमसीक्यूज भी पढ़ लेते हैं साथ साथ में। यहाँ पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड आर डिस्क्राइब्ड इन अमरकोश, तो यहाँ पे अमरकोश में कितने प्रकार के जो हैं भूमि का वर्णन किया है, 10, 12, 14 या 6 अमरकोश के अंदर। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री से रिलेटेड यह सेगमेंट है कि सर अमरकोश में अलग अलग 12 प्रकार के जो हैं लैंड्स की बात की गई है। अमरकोश जो है आपके पास में प्राचीन भारतीय विद्वान अमर सिंह द्वारा लिखित संस्कृत में एक जो है थिसारस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास में, क्या नामालिंगम ससनम, ठीक है ना। तो आपके थिसारस संस्कृत रिटन बाय द एंशियंट इंडियन स्कॉलर अमर सिंह, तो आपके पास में एंशियंट इंडिया के अंदर ही लिखा गया था, यह याद रखना कि है ना। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सटेंट जो है कोशास, तो एंशियंट कोश के अंदर इसको माना जाता है ना। एंड ऑथर हिमसेल्फ मेंशन 18 प्रियर वर्क्स आउट एंड देयर हैव बीन द लॉस्ट, तो ये आज की तारीख में ये अमरकोश है ये कहीं नहीं मिलता है ना। और ये भी बोला जाता है अमरकोश पर 40 से अधिक जो है भाष्य हो चुके हैं, इसके ऊपर कमेंट्रीज भी लिखी जा चुकी है। और इसी अमरकोश के अंदर लगभग आपके पास में कितने दोस्तों कितने लैंड की व्याख्या की गई कि सर आपके पास में अलग 12 प्रकार के अलग अलग लैंड हुआ करते थे, ठीक है। तो एक तरह का एमसीक्यू बन सकता है, यह याद रख सकते हैं अमरकोश के बारे में एंशियंट इंडिया के अंदर। Which of the following prerogative writs issued by the court direct the concerned authority to do something immediately? न्यायालय द्वारा जारी निम्नलिखित में से कौन सा विशेष अधिकार रिट जो संबंधित है संबंधित प्राधिकारी को तुरंत कुछ करने का निर्देश करता है, जो कमांड करता है उसको, यू डू समथिंग कौन सा सर, सर्टियोरी, को वारंटो, हेबियस कॉर्पस या मैंडमस, है ना। क्या है सर जो आपके पास में अथॉरिटी जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको बोलेगा कि भैया आप हाथों हाथ वो काम कीजिए। रिट ज्यूरिस्डिक्शन पता है आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल रिट ज्यूरिस्डिक्शन फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए, है ना, जिसको आपके पास में फंडामेंटल राइट्स के अंदर द कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है ना, कोर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट रिट के बारे में पता होना चाहिए, मैंडमस। तो जो मैंडमस रिट है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट है, यह आपके पास में किसी भी ऑफिशियल को कोर्ट जो हाई कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आर्टिकल 226 में ऑर्डर देगी, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर ये ऑर्डर दे सकती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के अंदर, है ना। तो डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ अनदर आर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट की कोई भी आर्म हो, कोई विभाग हो, कोई मंत्रालय हो, कोई अधिकारी हो, है ना, हर एक कोई भी अथॉरिटी कंसर्न अथॉरिटीज को यहाँ डायरेक्शन जा सकता है, ऑफिसर को, एजेंसी को, है ना। और कोई दूसरा कोर्ट भी हो सकता है, कोई अधीनस्थ कोर्ट है हाई कोर्ट के नीचे, उसको कोई ट्राइब्यूनल्स को यह ऑर्डर जा सकता है कि ओरिजिनली अवेलेबल ओनली टू द क्राउन अंडर द इंग्लिश लॉ। तो शुरुआत में यह जो मैंडमस है जो एक तरीके से कमांड जाता था, एक कमांड के ओके क्राउन इज सेइंग यू टू डू इट, तो वही मैंडमस वही रिट यहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास में भी है आज की तारीख में। शुरुआत में यह सिर्फ इंग्लिश संविधान के अंदर किंग को दी गई थी ना, इंग्लिश लॉ के अंदर, पर यह इट रिफ्लेक्ट द डिस्क्रिशनरी प्रेरोगेटिव ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर ऑफ मोनार्क, है ना। तो उस वक्त जो यहाँ पे राजशाही हुआ करती थी, राजा की ताकत बताती कि राजा किसी को भी कुछ भी बता बोलने को काम करने को बोल सकता कि आर्टिकल 32 में ये काम कर दो, परंतु अब वही ताकत किसके पास में, हमारी रैशनल और रेस्पॉन्सिबल जुडिशरी के पास में, जो हमारे संविधान की रक्षा के लिए फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए इसी रिट का प्रयोग करने लगती है, ठीक है सर। तो यहाँ पे इस शब्द को पुरातन माना जाता है और पारंपरिक 6 रिट में यह शामिल है, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिट से यहाँ पे डिस्क्राइब करती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडीज को, ठीक है, कमांड करते हैं कि यू परफॉर्म सम एक्शन, जो आपके ज्यूरिसडिक्शन में, जो आपके क्षेत्र अधिकार में, यू प्लीज डू योर एक्शन। जैसे पुलिस वाले FIR लॉन्च नहीं कर रहे, कोई इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं कर रहा है, कोई कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं चल रही है, डिले चलता जा रहा है, सो यहाँ पे कोई भी अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं आपको पता होना चाहिए, स्टेट के, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तीनों ऑर्गन को यहां पे क्या जा सकता है, मैंडमस रिट का ऑर्डर जा सकता है। याद रखेंगे आप, आपके पास में कौन सी प्रेरोगेटिव रिट है जो कोर्ट डायरेक्ट करेगा कंसर्न अथॉरिटी को टू डू समथिंग इमीडिएटली, मैंडमस के थ्रू, हेबियस कॉर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी, को वारंटो बाय वॉट अथॉरिटी, ठीक है ना, प्राणामेंटता चेक करने के लिए, सर्टियोरी यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन को चेक करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे जो है क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं रिट्स के बारे में, याद रखना है दोस्तों यहाँ पे ओरिजिनल रिट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है, जबकि आर्टिकल 226 हाई कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन जो है वो वाइडर है, वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा लीगल राइट्स को भी रिस्टोर करने में यूज किया जा सकता है। विवाद से विश्वास बिल 2020 के अंदर आया था, इट अप्रूव्ड बाय द लोकसभा इन द मार्च 2020, है ना, ये किससे रिलेटेड है, विवाद से विश्वास जो बिल आया था पार्लियामेंट में, विधेयक आया था 2020 का, जिसको मार्च 2020 में लोकसभा ने अनुमोदित भी कर दिया था, है ना, अप्रूव भी कर दिया था, ये बताना है कि किससे संबंधित है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क। इनडायरेक्ट टैक्स अभी बताया, इनडायरेक्ट टैक्स मैं पे नहीं करूंगा, मैं दुकानदार को दूंगा, दुकानदार पे करेगा, डायरेक्ट टैक्स मैं खुद दूंगा इनकम टैक्स जैसे, ठीक है ना। कस्टम्स ड्यूटी, है ना, जैसे भी सीमा शुल्क, कोई चीज मैंने बाहर से मंगाई उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगी, अमेरिका से कोई चीज मंगाई उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी 20%, ठीक है ना, तो कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, है ना, एक्साइज, कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने, उसका उत्पादन करने के लिए एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। तो जल्दी से बताएंगे कि यहां पे यह जो एक
जो कहीं ना कहीं रेवेन्यू का लिटिगेशन चलता है ना, रेवेन्यू से रिलेटेड जो कोर्ट केस चलते हैं, सरकार उनको निपटाना चाहती है कि भैया ना ही तो तुम्हारे पास टाइम है ना ही हमारे पास टाइम है ना, ले दे के आसाम से तुम हमें सरकार में विश्वास रखो और हम तुमको थोड़ा बहुत फायदा कर देंगे, उसके अंदर टैक्स जो तुम्हारा 100 रुपये बन रहा तुमसे 90 रुपये लेंगे, तो विवाद से विश्वास बिल है ना, तो विवाद से विश्वास बिल, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा विवाद है उससे विश्वास में कन्वर्ट करना, जो हमारे डायरेक्ट टैक्स है जैसे तुम्हारे ऊपर कहीं कहीं इनकम टैक्स बन रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स बन रहा है ना, तो वह कहीं कहीं अगर लिटिगेशन में चल रहा है उस लिटिगेशन को खत्म करते हैं। एक स्कीम देता हूं, चलो आइए मुझसे बैठिए बात करते हैं, टेबल टॉक करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना। तो डायरेक्ट टैक्स में यहां पे विवाद से विश्वास बिल लाया गया था लोकसभा के अंदर, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो है फरवरी 2020 के अंदर ये बिल को प्रोवाइड भी करती हैं। एक रेजोल्यूशन होगा कि जिन जिन लोगों का टैक्स पेंडिंग है, जिन जिन लोगों का डिस्प्यूट है इनकम टैक्स से रिलेटेड, कॉर्पोरेशन टैक्स से रिलेटेड, वह आकर के इस टैक्स को जो भर सकते हैं कहीं ना कहीं उनको छूट भी दी जाएगी और यहां पे लिटिगेशन भी कम होगी कोर्ट के, ठीक है। याद रख लेंगे आपके पास में विवाद से विश्वास बिल किससे रिलेटेड है सर, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर से रिलेटेड, इनकम टैक्स और आयकर और कॉर्पोरेशन टैक्स से रिलेटेड था, ठीक है दोस्तों। अभी क्लियर, जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, विवाद से विश्वास स्कीम इसी से रिलेटेड थी दोस्तों। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ द विंटर रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो हमारा नॉर्थ उत्तर वेस्ट पश्चिम, उत्तर पश्चिम भारत, मतलब आप राजस्थान वाला पंजाब वाला और ये एरिया याद करो, इस एरिया के अंदर कह रहे हैं कि जो है विंटर के अंदर अगर बारिश होती है, सर्दियों में बारिश होती है राजस्थान पंजाब हरियाणा दिल्ली वाले इस क्षेत्र के अंदर, तो उसका कारण क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि सर सर्दियों के अंदर कम से कम मानसून तो नहीं आएगा क्या, यहाँ पे कहीं मॉनसून आएगा, विंटर मॉनसून की बारिश होती है केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, है ना। देखिए यहाँ पे मैं एक मैप बना देता हूँ आप लोगों के लिए, जैसे ये मेरा साउथ इंडिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यह वाला ये विंटर मानसून कहाँ होगा, तमिलनाडु के कोस्टल पे, है ना, यहाँ पे होगा विंटर मानसून, सर्दियों के अंदर बारिश होती है तमिलनाडु के कोस्ट के ऊपर, याद रखना। रिट्रीटिंग मानसून की जो बारिश होगी, रिट्रीटिंग मानसून की बारिश भी इधर ही होगी, कोरोमंडल कोस्ट और इसके आसपास में, ठीक है ना। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, सर यहाँ पे पश्चिम की कहीं ना कहीं बात की जा रही है, तो पश्चिम इंडिया के अंदर जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला इंडिया है, पश्चिम से जो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी से कहीं ना कहीं जो है आपके पास में जो है जलवायु में परिवर्तन होता है और वहां से पश्चिमी विक्षोभ आता है जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है अंग्रेजी के अंदर। और जो सर्दियों में हमारे यहाँ बारिश होती है ना, अभी सर्दियाँ चल रही हैं, आपको पता होगा पिछले 2-3 हफ्तों में कहीं अपने उत्तर भारत में कहीं ना कहीं बारिश हुई है। देखो अगर राजस्थान से बिलोंग करते हो थोड़ी बारिश महसूस की होगी आपने, है ना, एकदम ठंड सी फैल जाती है, अभी दिसंबर जनवरी में और ज़्यादा होने वाली है। तो जो सर्दी में मावट पड़ता है, याद है आपको जो रबी की फसल होती है, है ना, रबी के अंदर आप रबी की फसल में जैसे गेहूं वगैरह उगाते हैं सर्दियों के अंदर पंजाब राजस्थान वाले एरिया में, तो वह पकता कैसे, उसके लिए सर्दी की बारिश जरूरी, और सर्दी की बारिश कैसे होती है, इस पश्चिमी विक्षोभ से होती है। यह कहाँ पे शुरू होता है पश्चिमी विक्षोभ, यह आपके पश्चिमी बॉर्डर से आता है, ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, इसको क्रॉस करते हुए इंडिया में आता है, और इस पश्चिमी विक्षोभ से बेसिकली हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेट डिस्टर्ब हो जाता है, और क्लाइमेट डिस्टर्बेंस से बेसिकली क्या होती है, ये बारिश होती है। तो सर्दियों में बारिश इस कारण होती है, किसके कारण, पश्चिमी विक्षोभ से। तो अभी बेसिकली सर्दी में बारिश होना, अगली बार तो अपने घर वालों को बोलना, ये क्या है, ये क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पापा, ये क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है पापा, पापा बोलेंगे ये पागल हो गया है, पता नहीं क्या पढ़ रहा है, नहीं एकदम सही पढ़ रहा है पापा, ठीक है। तो याद रखना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको कहा जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती है सर्दियों में आएगी, मॉडरेट से हैवी रेन्स लेके आएगी लो लाइंग एरियाज के अंदर, कहीं कहीं पहाड़ी एरिया माउंटेनियस एरिया में यह बर्फ भी गिरा सकती है, जैसे अभी आपने देखा होगा हिमाचल कुल्लू मनाली कहीं ना कहीं जो है ट्रैक रुक जाते हैं सर्दियों में, ज्यादा अचानक से 4 घंटे में स्नो गिर गई, क्यों गिर गई, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, बिकॉज मोस्ट विंटर एंड द पोस्ट मानसून सीजन रेनफॉल इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो जो हमारा उत्तर पश्चिम का जो भारत वाला एरिया है, ये आपके पास में राजस्थान वेस्टर्न यूपी वाला एरिया, दिल्ली वाला, हिमाचल पंजाब ये वाला क्षेत्र है ना, हरियाणा, इस एरिया के अंदर सर्दियों में जो बारिश होती है ना, मॉनसून खत्म होने के बाद, मॉनसून खत्म हो गया अगस्त के अंदर, सितंबर में लास्ट रेन, उसके बाद में भी दिसंबर में बारिश हो रही है, जनवरी में बारिश हो रही है, विंटर्स में बारिश हो रही है, तो सर यह है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। समझ में आई दोस्तों, समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से लिख के बताओ कमेंट में, वीडियो समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर, देख लो देखते देखते आपने 30 मिनट का वीडियो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहां पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, कहां से शुरू हुई, देखो मेरे साथ में आओ, तो ये रहा मेरा भारत है ना, भारत में ये एंटर करी, पर शुरू कहां से हुई, देखो यह बेसिकली आपके पास में यहां से शुरू हो जाती है, मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा वहां तक, तो है ना, कितना पहुंचेगा इंडिया से, कानून के हाथ इतने लंबे होते, मैं तो साइंस ग्रेजुएट हूं। तो यहां पे टर्की के आसपास में देखिए आपके पास में लेबनन इसराइल, और ये वहां से ये हवाएं शुरू होती है, इसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पश्चिमी विक्षोभ, ये विक्षोभ है, हवाएं हैं जो बेसिकली उधर से चली आ रही है, और बेसिकली पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान से होते हुए इंडिया में एंटर कर रही है, और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इस नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के ऊपर बेसिकली क्या करती है सर, बारिश करती है। स्पेसिफिकली कौन से टाइम में बारिश करेगी, ये स्पेसिफिकली विंटर में बारिश करती है,
तो सर्दियों में बारिश कहां से होगी सर आपके पास में? नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर पश्चिमी विक्षोभ से होगी। समझ में आ गया? पश्चिमी विक्षोभ से होगी, है ना, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाएगा। डिस्टर्बेंस किया सर हमारे क्लाइमेट को। सर यहां पे जो जॉइंट पीलिया बोलते हैं कि नहीं बोलते, यह एक संक्रामक रोगाणु से फैलता है, है ना, किसके थ्रू फैलता है वो संक्रामक रोगाणु? किसमें फैलता है पीलिया का संक्रामक रोगाणु? पानी से फैलेगा, हवा से फैलेगा, मिट्टी से फैलेगा या त्वचा से फैलेगा? तो सर जो आपको पीलिया होता है ना वो पानी पीने से होता है। खराब पानी पी लेते हैं ना आप तब आपको पीलिया होता है। इसीलिए पानी को कभी भी थोड़ा सा साफ करके पियो, फिल्टर करके पियो, कहीं ना कहीं उसके अंदर फिटकरी या फिर जो आपके पास में प्रोसेस्ड क्लीन वाटर उसको पियो, है ना। मिनरल वाटर हो सके तो बेटर है, आरओ वाटर है तो बेटर है, क्लीन वाटर प्रोसेस वाटर जरूर हो आपके पास में, ये याद रख लो आप, है ना। तो खराब पानी नहीं पीना है कभी भी, है ना। अनप्रोसेस पानी अगर पियेंगे कहीं का भी तो संक्रमण जो है आपके पास में, यह द इन्फेक्शन टाइप ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉन्टेक्ट विद द ब्लड एंड द ब्लडी द बॉडीली फ्लूड एंड द इन्फेक्टेड पर्सन, दिस कैन बी ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टेक्ट एज वेल बाय द शेयरिंग द नीडल। कुल मिलाकर के यह संक्रमण जो है पानी से भी हो सकता है और दूसरे कई प्रकार से हो सकता है, ठीक है। जॉइंटिस याद रख लेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीलिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पीलिया में बेसिकली आंखें पीली हो जाती, नाखून पीले हो जाते, पता है ना आपके पास में, ठीक है। चलिए अब मैं बेसिक सी चीज बताना चाहता हूं आपको। पहली बात ये लिख के बताओ क्लास के अंदर, कॉमेंट के अंदर, क्लास कैसे लगी? लाइव कॉमेंट में नहीं, वीडियो के कॉमेंट के नीचे जाओ, ठीक है, और वहां पर लिख के बताओ क्लास कैसे लगी। और अगर सही लगी ना ये क्लास तो सर एक लेजेंड हमारे साथ में, हम सबके गुरु हमारे साथ में, नाम क्या है? तनसुख पालीवाल सर, इनको थैंक्स जरूर बोलना। ये इनिशिएटिव इन्हीं की क्रिएटिविटी के कारण है, यह इनिशिएटिव, ये क्लासेस जो आप देख रहे हैं स्मॉल स्मॉल वीडियोस, ये आपकी ही क्रिएटिविटी के कारण और आप ही के बेसिकली जो है एक आइडियाज को मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं धरती पे उतार रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अगर यह क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो सर को यहाँ पे एक कॉमेंट चलना चाहिए, लगातार थ्रेड चलना चाहिए, थैंक्स तनसुख सर, ठीक है। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक लिंकिंग बैच हम यहाँ पे चला रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। ईयर लॉन्ग ये बैच होने वाला है जिसमें हमारी पूरी टीम है, ऑनरेबल सूर्या सर, ऑनरेबल शिवानी मैम, ऑनरेबल तनसुख सर, मेरे द्वारा जीके जीएस पढ़ाया जा रहा है। कैसा लग रहा है आप अपना फीडबैक जरूर देना इस वीडियो के एंड में। और भी नई फैकल्टीज हमारे साथ में ऐड हो रही है, जैसे आज आपने शायद पढ़ लिया होगा, कहीं कहीं सुना भी होगा, हमारे लोकल लॉज की फैकल्टी भी अपूर्वा मैम भी हमारे साथ में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो सर आई वेलकम यू ऑल कि आप प्लस कोर्स को या आइकॉनिक कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, टेस्ट एनालिसिस बहुत ही प्लान्ड वे में एक्सपर्ट से यहाँ पे जो है हेल्प मिलने वाली। अगर आप आइकॉनिक बैच में मिलते हैं तो यहाँ पे आपको कहीं कहीं मेंटरशिप भी मिलने वाली, टेस्ट सीरीज आंसर राइटिंग भी होगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे और एक मेंटर पर्टिकुलर आपके साथ में असाइन किया जाएगा, ठीक है सर। तो प्लस क्लास के भी सारे बेनिफिट हैं, प्लस यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप और आंसर राइटिंग सेशन भी होने वाले हैं, इवेल्यूशन होगा आपके सारे डाउट्स का। तो आप विदिश टेन कोड को यूज करते हो प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके पास में अगर पैसे की प्रॉब्लम आ रही है तो जो भी आप यहाँ पे प्लान चूज करते हैं आप उसको ईएमआई में पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू नहीं लेना है तो आप इसको बेसिकली दूसरे तरीके से ले सकते हैं। अनअकैडमी आपके लिए क्रेडिट की व्यवस्था भी कराता है कि सर मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है क्या करूं, नॉर्मल पेपर वर्क रखेगा सर। कोई स्टैंडर्ड बैंक में आपका अकाउंट है तो आपका पैन आधार कार्ड नंबर लग जाएगा और आप मंथली 2-3 हज़ार जो भी आपकी, जैसे कि यहाँ पे ईएमआई भी है देख सकते हैं आपके पास में 2000 के करीब, 2500 के करीब, 3000 के करीब, 4000 के करीब, ये जो ईएमआई है, ठीक है। और यहाँ आइकॉनिक में भी आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड जो है आपके पास में 3000 से लेकर के आपके पास में अलग अलग रेट्स हैं आइकॉनिक के अंदर भी, तो आप यहाँ पे मंथली ईएमआई में भी पे कर पाएंगे। सर नया क्या चल रहा है? सर अभी आज क्या तारीख है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं? 10 तारीख। 10 तारीख से मतलब 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख इस वीक के अंदर अगर आपने यहाँ पे जो है अगर इस पर्टिकुलर आइकॉनिक कोर्स को जो यहाँ पे देख सकते हैं, यू विल बी एबल टू सी ओवर हियर, ये आइकॉनिक कोर्स के सारे सब्सक्रिप्शन है, इनको अगर अभी आप लेते हैं 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, 12 महीने का, 24 महीने का, इस पे जो प्राइस ओरिजिनल प्राइस से जो है सर 15% हमने कम कर दी। कितनी सर? 15% प्राइसेस कम हो चुकी है। प्लस कोर्सेज भी जो हैं इनकी भी प्राइस से 15% कम हो चुकी है। तो सर अगर आप इस वीक के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो यू आर ऑल वेलकम, यू ऑल आर वेलकम। तो इसमें क्या होने वाला है सर आपके पास में, ईयर 9 दिसंबर 2011 से लेकर के 2021 से लेकर के 15 दिसंबर 2021 तक बेसिकली जो है आप यहाँ पे ये 15% का तो रेट फॉल आई है। इसके साथ में आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। कोड क्या रहेगा सर? विदिश 10। कोड आपको पता होना चाहिए। कोड क्या है सर हमारा? VIDISH10। और विदिश 10 कोड को, इस कोड को पर्टिकुलर यूज करना है। और आपने अगर इस कोड को यूज किया तो सर ये 15% तो आपको मिल ही रहा है, इस 15% के अलावा 10% एडिशनल मिलेगा। मतलब सर ओवरऑल क्या बेनिफिट हो गया? 25%। और सर अनअकैडमी की 6ठी वर्षगांठ है ना, तो आज बेसिकली क्या है 10th दिसंबर, अभी 12 बजे से लेकर के सुबह 12 बजे तक अगर आप ये वीडियो को देखेंगे, है ना, तो आपको यहाँ पे वीडियो में डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन पेज भी मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर के अगर ये कोर्स खरीदते हैं तो और विदिश 10 कोड को लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 15% फीस ऑलरेडी कम है,
प्लस विद इस 10 कोड को यूज करने से जो है और 10% कम हो गई, तो ओवरऑल क्या हो गया सर आपके पास में 25% फीस कम हो जाएगी आपकी। 100 रुपीज की फीस है 75 रुपीज पे करना होगा आपको, समझ में आई। प्लस यहां पे 6 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया यहां पे, तो आपको बेसिकली क्या 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, गेटिंग इट। और ये सिर्फ और सिर्फ कब तक है, ओनली ऑन द 10th। जैसे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया तो उसके ऊपर नहीं है, मिनिमम कितना होना चाहिए सर आपके पास में, 1 साल का 1 ईयर या फिर उससे ऊपर का कोई सब्सक्रिप्शन है, तो आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि अनअकैडमी के 6 वर्ष हुए हैं और सिर्फ अनअकैडमी के बर्थडे पे ये स्पेशल ऑफर निकला है, यह आपको पता होना चाहिए। सो अनबॉक्स योर ट्रू पोटेंशियल विद एक्स्ट्रा लर्निंग टाइम, यहाँ पे जो है आपको एक्स्ट्रा 6 महीने भी दिए जाएंगे। तो दोस्तों जल्दी से इसको अवेल कीजिए, विद इस 10 कोड को यूज कीजिए, लिंकिंग लॉ बैच को ज्वाइन कीजिए, आइकॉनिक बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, स्पेशल क्लासेस होती है वह फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, किन किन ने डाउनलोड किए जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, फॉलो कीजिए मेरे को जगदीश चंद्र जांगिड प्रोफाइल से, अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं आप, वहां पे जाके सर्च कर लीजिएगा मेरा नाम। और शाम को आज 5 बजे, कितने बजे सर, आज शाम को 5 बजे इसी एप्लीकेशन पे लाइव क्लास होगी, फ्री क्लास है जीके जुडिशरी सेगमेंट में। 10 से स्टेट्स, ज्यादा से ज्यादा हम 10 स्टेट से ज्यादा एग्जाम्स को यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। कोड कौन सा यूज करेंगे, ये क्लास फ्री है, इसको अवेल करने के लिए आप जो है यहाँ पे मेरा कोड यूज करेंगे विदिस 10 VIDISH10, इस कोड को यूज करना। ये क्लास होने वाली है आपकी आज शाम को 5 बजे लाइव, विदिस 10 कोड को यूज जरूर करना। मेरी प्रीवियस क्लासेस भी आप सारी अनलॉक कर पाएंगे जो स्पेशल क्लास कैटेगरी के अंदर है। अनअकैडमी के लिंकिंग जो है अनअकैडमी लिंकिंग लो, हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके एडमिन सेक्शन में जाकर के आप मुझे कैप्टन GK_JJ सर से यहाँ पे आप देख पाएंगे, राइट। और यहाँ पे आप बेसिकली सर्च नाम से कर पाएंगे, कोई भी आपकी क्वेरी है उसको आप भेज सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड जो हो। यहाँ पे तनसुख सर का भी नाम लिख रखा है, यहाँ पे आप सर को भी जो है लॉ से रिलेटेड कोई क्वेरी है वो भेज सकते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो में कोई भी अगर आपको लगता है सर इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म दे रखा है गूगल फॉर्म, उसको भर के एंड फर्स्ट वन टू रिपोर्ट पर्टिकुलर इशू विल क्लेम द प्राइस, दैट्स अ बग्स बाउंटी प्रोग्राम, राइट। वीडियो कैसा लगा दोस्तों जल्दी से बताएंगे, पहला अटेम्प्ट है इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो चुका है, आगे से थोड़ा टाइम और कम किया जाएगा इसका। जल्दी से बताएंगे वीडियो कैसा लगा, और मेरी कोशिश रहेगी ऐसे कई और अन्य वीडियो आपके लिए लेके आऊं, ताकि आपके भविष्य के दिल्ली बिहार जैसे वेस्ट बंगाल के कुछ बच्चे हैं हमारे पास में, ठीक है ना, राजस्थान के अंदर आंसर राइटिंग आर्टिकल राइटिंग होती है आपके पास में, उन सभी एग्जामिनेशन के अंदर हम महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं आपके एग्जाम के ड्रीम को रियलाइज करने के लिए। मिलते हैं दोस्तों स्पेशल क्लास में शाम को 5 बजे, अंटिल देन थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या आना चाहिए, थैंक यू लिंकिंग सर, थैंक यू तनसुख सर, राइट, जय हिंद दोस्तों।